आज घंटाघर स्थित सीपीसी माल गोदाम में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के दिशा निर्देश पर यूएचएम जिला चिकित्सालय कानपुर एसएस के विभाग के तत्वावधान में मेगा जनरल हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उर्सला जिला चिकित्सालय के निदेशक डॉक्टर एसपी चौधरी के द्वारा फीता काटकर किया गया। हेल्थ कैंप के सहयोग में लोकल ट्रस्ट सर्विस यूनियन के महामंत्री अब्दुल वहीद का पूरा सहयोग रहा। वहीं कैंप में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के ज्ञानेश मिश्रा प्रदेश व वरिष्ठ महामंत्री ने कहा, हमारे मजदूर भाइयों के पास समय की कमी से वे इलाज अपना नहीं करवा पाते, चूक जाते हैं। इस तरह के कैंप लगने से उन्हें आसानी होगी, उन्हें सही परामर्श और इलाज मिलेगा। वहीं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज एआरटी विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर मणिराम गौतम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया, एचआईवी एचसीवी जैसी घातक बीमारियों की चपेट में आकर हमारे मजदूर वर्ग एवं ड्राइवर वर्ग ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र में मेगा हेल्थ कैंप ज़्यादा ज़रूरी है। कैंप में संपूर्ण सुरक्षा मैनेजर स्वाति वर्मा, नेहा गौतम, ब्रजेश राव, अभिषेक सिंह, अरविंद ने सहयोग किया। कैंप में कुल 224 मरीजों को चिकित्सा के द्वारा परामर्श दिया गया एवं 213 मरीज ने एचआईवी स्क्रीनिंग कराई, जिसमें 5 एचआईवी संदिग्ध पाए गए। सभी मरीजों को निशुल्क दवाई का वितरण भी किया गया। लोकल ट्रस्ट सर्विस यूनियन के महामंत्री अब्दुल वहीद ने आए हुए मेगा हेल्थ कैंप की टीम को धन्यवाद दिया। देखें खास रिपोर्ट कानपुर से। सही इलाज, सही सुविधा मिल सके, इसमें लोकल ट्रस्ट सर्विस के माध्यम से यूएसएम के लोगों से संपर्क करके एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के सभी ड्राइवर्स, लेबर्स और कितने का मालिक कान है जो भी कैंप में आकर अपना जांच कराना चाहे करा सकते हैं। मैं यूएसएम की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर ये कैंप लगा कर यहाँ के लोगों को आज इस संपूर्ण सुरक्षा कार्यक्रम की इस गोष्ठी में, इस स्वास्थ्य शिविर में मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्री अब्दुल जी का, जिनके सार्थक प्रयासों से कैंप आयोजित हुआ। अपनी उर्सला की एसएससी की पूरी टीम, हमारी यूनिवर्सिटी की पूरी टीम, सभी जनपदियों का इसमें बहुत बहुत सहयोग है। ये चिकित्सालय अस्पताल आपके द्वार, यहाँ पर एक छतरी के नीचे सारी सेवाएं आपको मिल रही है। जैसा कि मैडम ने शुरू में बताया, छोटी चीज़ के लिए आपने अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। आपको हर चीज़ की बेसिक जानकारी मिलेगी, आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि आप उस बीमारी के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, और यदि उसका संसाधन यहाँ पे है तो आपकी उसकी दवा भी यहाँ तत्काल वितरित कर दी जाएगी। एआरटी सेंटर मेडिकल कॉलेज कानपुर से आपके इस कार्यक्रम में प्रतिभागी हुआ, प्रतिभाग करने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा संपूर्ण सुरक्षा कार्यक्रम की संपूर्ण टीम, उर्सला के डायरेक्टर महोदय, उनके पूरे टीम, ओएसटी की टीम, अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं, यहाँ के जनप्रतिनिधि अब्दुल भाई, जिन लोगों के प्रयासों से आज आपके द्वार पर यह चिकित्सालय आया है। यहाँ पर संपूर्ण सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जैसे आरसीएच की समस्त सेवाएं दी जाएंगी, आरसीएच की बच्चे से लगा के बुजुर्ग तक, ये पूरा साइकिल है। इस साइकिल में जो भी सुविधाएं बीच में आएगी, जिस लेवल पर, उन हर स्तर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा इंटरवेंशन है, और उससे संबंधित जो गंभीर रोग होंगे वो उर्सला चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में सम्मिलित किए जाएंगे। सरकार की ऐसी मंशा है, सरकार की ऐसी मंशा है कि स्लम एरियाज में, मलिन बस्तियों में जो लोग रात दिन अपने कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अपने घर परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते, उनके घर द्वार पर पहुंचकर उनकी बेसिक जांचें कराई जाएं, जिससे उनको मूलभूत जीवन की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद। यूनियन रेलवे मालगोदाम के रूप में, जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता हूँ। आज यूएचएम के माध्यम से सीपीसी रेलवे मालगोदाम के अंदर के अंतर्गत काम करने वाले लेबर्स और ड्राइवर्स के जांच परीक्षण के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग समय समय पर अपना इलाज, अपना जांच कराते रहें, जिससे कि कोई किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई हो तो उससे आप तुरंत निजात पा सकें। लगभग 200-300 लोग आ चुके हैं कानपुर में सीपीसी गोदाम में। यहाँ जी बड़ा सराहनीय कार्य हुआ है। नॉर्मली हम लोग अपना पेट्रोल पंप पे कराते थे, हर साल कराते हैं वहाँ पे, बट ये यहाँ पे जो लेबर रहती है 700-800 तो लेबर यहाँ पे है, और करीब करीब 500-400 ड्राइवर्स भी इसमें, ड्राइवर कंडक्टर मिला के, वो बेचारे शाम को जा नहीं पाते हैं दिखाने, बीमारी होगी तो पड़े रहते हैं यहीं पे। बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य है। तो मैं चाहता हूँ ये जो भी संस्था संपूर्ण सुरक्षा के उसमें है, उर्सला अस्पताल की तरफ से किया गया, बहुत सराहनीय कार्य है, और हम भी चाहेंगे आगे अपने पंप पे हम रहने के लिए आगे वहाँ आप लोगों को इन्वाइट करेंगे, वहाँ भी नहीं आ सकते। धन्यवाद।